मोदी सरकार खट्टर सरकार देखिए जो सरकार है एक्चुअली उसकी नीयत अच्छी नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमें उन्नी मोस्टर की जीरी चाहिए मंडी में, हम तब उठाएंगे, और असलियत ये है कि वो उन्नी वाली छोड़ वो सॉरी 17 वाली चाहिए, वो 17 वाली छोड़ वो 15 वाली भी नहीं उठाई अभी तक दोनों ने। तो कल हम उनके पास गए थे और जो सेलर वालों का और सरकार का डिस्प्यूट है हमने उसको हमारी भी समस्या बीच में, हमने ये कहा था कि आप मॉइस्चर के पॉइंट छोड़िए, अगर आप 22 तक भी खरीदें तो भी आपको नुकसान नहीं है, क्योंकि सेलर वाले हम कट देने के लिए तैयार हैं, जितने हमारा मॉइस्चर है उतने किलो हमारे से कट ले लें, पिछले सालों में ये होता रहा है। लेकिन उनके दिमाग में कुछ हरासमेंट करने वाली ज़्यादा पॉइंट है कि हरासमेंट करके किसान किसी तरह से भागे मंडियों से, आढ़ती किसी तरह से भागे, ये धंधा सारा बंद हो, तो उस पर हमारी सहमति कल नहीं बन पाई है। और 17 मॉइस्चर का धान हम नहीं दे सकते, हमारे पास ना तो सुखाने का साधन है ना हमारे पास कोई और उसका रखने का जरिया है। दूसरा हमारा था कि वो कह रहे हैं कि जिस दिन हम कहेंगे सरकार कहेगी उस दिन जाएँ, वो भी हमारे से नहीं चलेगा, क्योंकि अगर हमारी धान आज कटी और वो 4 दिन के बाद का हमें टाइम देते हैं तो हमारे पास उसको स्टॉक करने की जगह नहीं है, तब तक वो ख़राब हो जाएगी, गिल्ली है, नरम है और रखने के उसका स्थान नहीं है। और एक बात उन्होंने मान ली, जो 25 क्विंटल की थी सीलिंग उस पर उन्होंने 30 क्विंटल कर दिया है, जो कैप लगाई थी 25 क्विंटल की वो 30 क्विंटल कर दी है, वो तो चलो ठीक ही है। लेकिन ये मांगे जो है एक एक, एक तो हम मॉइस्चर में छूट मांग रहे हैं, और एक हमारा जो है हम अपनी मर्जी से लाएं ना कि सरकार की मर्जी से, और तुरंत हमारी बिक जाए, कट हम मॉइस्चर कट हम देंगे। आगे की क्या रणनीति रहेगी जी, घेराव करने की बात की जा रही है? देखिए अभी तो सभी मंडियों में जाम लगवाया है, शाम तक क्या रिजल्ट निकलता है, कुछ बात पटरी पे आती है तो अच्छा है। ये जाम लगा रहेगा कि शाम तक रहेगा? मैं वही बता रहा हूँ, आज तो शाम तक रहेगा ही जब तक समस्या सॉल्व नहीं होती, और अगर शाम तक भी समस्या सॉल्व नहीं होती फिर अनिश्चितकाल करना पड़ेगा हमें। जिस प्रकार पे हो में भी रात से ही लोगों ने वहाँ मंजे डाली थी मंडी से बाहर, सड़कों को रोक लिया था किसानों ने, कल दिन से पे हमें जाम लगा हुआ है, अभी मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, पूरी रात भी वहाँ पे जाम रहा है, और हर मंडी पे ऐसे ही होगा, क्योंकि हमारी मजबूरी है। देखिए अगर आज बारिश हो जाए तो मंडी में आपने हाल देखा है, अगर आज बारिश हो जाए तो ये किसान का नहीं है, देश का भी नुकसान। क्या हमारी 22 मॉइस्चर तक की खरीद ली जाए, जितना हमारा 17 से ऊपर मॉइस्चर है हम कट देने के लिए तैयार हैं, हम कोई बेईमाना नहीं करना चाहते, हम कट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो खरीद के उठा ली जाए, मंडी खाली हो जाए, हमारी गिरने की व्यवस्था बन जाए, सड़कों पर पड़ा है हमारा अनाज, अगर आज बारिश हो जाए तो उसका क्या होगा, शेड के नीचे तो है नहीं, तो बारिश हो जाए तो देश किसान का नुकसान है, वो देश के भी नुकसान है। यदि व्यवस्था ठीक ना हुई तो फिर आगे क्या रहेगा आपका? 8 तारीख को मीटिंग लगने के अलावा क्या रास्ता है हमारे पास? अब सड़क पे बैठ गए हैं, 8 तारीख को 8 तारीख को पूरे देश की मीटिंग बुलाई गई है, पूरे देश के किसानों की संगठनों की। देखिए वो जो मैटर है वो जो 3 अध्यादेश थे उनको अब कानूनी रूप दे दिया गया है, उसका सारी जनता के विरोध के बावजूद मजदूर से लेकर व्यापारी तक विरोध कर रहा है, और अपोजिशन विरोध कर रही है, और राज्यसभा में उसका गिनती पूरी नहीं थी, जबरदस्ती पास करवा दिया गया, ये लोकतंत्र की हत्या है।
और अब पूरे देश के किसान संगठनों को इकट्ठा करके पूरे देश के लेवल पे इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। अब ये पहले तो हरियाणा पंजाब में ज्यादा थी, दूसरे स्टेटों में फैली है लेकिन कम है। अब इसका पूरे देश का इसका मुद्दा बनाया जाएगा और इन कानूनों को रद्द कर।